हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं। मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं, उन सारी बुक्स की जितने भी मॉडल पेपर हैं, वन बाय वन करके उस सारी बुक्स के मॉडल पेपर को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपकी अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन हो सके और आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सके। चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा शुरू हुआ है 26 नंबर से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्विकार में कौन सी संधि है। देखिए ऑप्शन ए में है व्यंजन, बी में है दीर्घ स्वर, सी में देखिए है विसर्ग और डी में है गुण स्वर। तो जानते हैं कि निर्विकार में जो संधि है वो है विसर्ग। देखेंगे विसर्ग कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो उसी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नेति, नेति का संधि विक्षेद क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए में आया है नेधन इति, बी में आया है नेधन ति और सी में आया है न धन ति और डी में है न धन इति। तो जानते रहेगा नेति का जो संधि विक्षेद है वो होगा न धन इति। तो देखेंगे न धन इति कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाया है न धन इति, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कागज का बहुवचन रूप है। तो कागज का बहुवचन क्या होता है, जानते हैं कागज का बहुवचन होता है कागजात। तो कागजात देखें कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 29 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए ए में आया है कवि कवियत्री, बी में है कवियत्री, सी में आया है कविनी और डी में आया है कवियत्री। तो जानते हैं कि कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कवियत्री, ऑप्शन नंबर बी में दिखाया है कवियत्री, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है गीदड़ का पुलिंग है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ होना चाहिए गीदड़, गीदड़ गीदड़ का गीदड़ होना चाहिए और पुलिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन ये होना चाहिए था गीदड़ का स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग हमें यहाँ सर्च करना है। तो जान रहे गीदड़ का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है गीदड़ी। तो यहाँ गीदड़ी देखिए कहाँ ऑप्शन आया है, देखिए ए नंबर पे है गीदड़ी, री नहीं होना चाहिए बल्कि रा होना चाहिए था, तो ए नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ हम अपने से इसको लिख दे रहे हैं कि गीदड़ का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है गीदड़ी, जानते रहिए। 31 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। देखिए ऑप्शन ए में है 2, बी नंबर पे है 4, सी नंबर पे है देखिए 3 और डी में है 7। तो जानते रहिए हिंदी वर्णमाला में मूलतः 4 स्वर होते हैं। तो देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जिन्हें नहीं पता कि मूल स्वर किसे कहते हैं वो जान लें कि जो स्वर दूसरे स्वरों के मेल से न बने हो उन्हें मूल स्वर कहते हैं, इसमें अ ई उ और री आते हैं। 32 नंबर पर देखिए क्वेश्चन आया है तुरीर शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। समानार्थी आप कहें या फिर पर्यायवाची बात ही की। देखिए ए नंबर पे है असंग, बी नंबर पे है निसंग और सी नंबर पे है उत्संग और डी नंबर पे है निसंग। तो जानते रहिए तुरीर शब्द का जो समानार्थी है पर्यायवाची है वो ऑप्शन नंबर बी निसंग, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 33 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए ऑप्शन में क्या है, ए नंबर पे है दृघ, बी नंबर पे है विप्र, सी नंबर पे है व्योम और डी नंबर पे है ह्रिय। तो जानते रहिए आकाश का जो पर्यायवाची है वो होता है व्योम, तो व्योम देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा, जिससे इसमें दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा पेज कुछ मुड़े हुए दिख रहे होंगे, ये बुक्स में ही इसी तरह आया हुआ था, तो वैसे भी आपके लिए इन क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि पेज। तो चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन आया हुआ है निम्नलिखित में से स्वर्ण का अपर्यायवाची इंगित करे, मतलब कोई ऐसा शब्द चुनना है जो पर्यायवाची न हो। तो देखिए ए नंबर पे है कंचन, कंचन जो होता है ये पर्यायवाची ही है। बी नंबर पे देखिए आया है कनक, कनक भी पर्यायवाची होता है स्वर्ण का और सी में है हेम, हेम नहीं बल्कि यहाँ हेन होना चाहिए, हेन भी जो होता है वो भी पर्यायवाची होता है स्वर्ण का। और जो नंबर डी आया है किचिन, किचिन ये जो है आपका पर्यायवाची नहीं होता, तो डी नंबर को हम क्लिक करें। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है व्यापक, व्यापक शब्द का समानार्थ शब्द चुने। तो समानार्थ का मतलब होता है पर्यायवाची भी कह सकते, चाहे आप ये कहें कि व्यापक शब्द का समानार्थ शब्द चुने या फिर आप ये कहें कि व्यापक शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। देखिए ए नंबर पे आया है विपुल, बी नंबर पे है विशद, सी नंबर पे है विविध और डी पे आया है विरल। तो जानते रहिएगा जो व्यापक का जो पर्यायवाची समानार्थी जो शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी विशद, तो बी नंबर को हम क्लिक करें। 36 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है भीषण का विलोम शब्द चुने। ऑप्शन ए में है सौम्य, बी नंबर पे है मधुर, सी नंबर पे है सरल और डी में है साधारण। तो जानते रहिएगा भीषण का जो विलोम शब्द है इन चारों में वो है ऑप्शन नंबर ए सौम्य, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। पर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है सज्जन, सज्जन का पर्यायवाची शब्द चुने। देखिए ऑप्शन ए में है क्रूर, बी नंबर आया है निरक्षर, सी नंबर पे है खल और डी नंबर पे है साक्षर। तो जानते रहिएगा देखिए सज्जन का जो पर्यायवाची होगा, देखिए ए नंबर पे क्या है क्रूर, तो एक इंसान जो सज्जन है, सज्जन का मतलब जो है बहुत ही अच्छा इंसान है, सज्जन का मतलब भी होता है कि जो सामाजिक इंसान हो, अब वो क्रूर तो हो नहीं सकता, तो ए नंबर तो कट गया। बी नंबर पे देखिए आएगा सज्जन, सज्जन का मतलब होता है वो निरक्षर ही हो, ये भी कोई गैर वो नहीं है, तो इसमें हमारा बी नंबर भी कट जाएगा। फिर देखिए सी नंबर पे है खल,
खल, खल का मतलब क्या होता है, दुष्ट। जैसे आप कहते हैं खल नायक, तो नायक तो है लेकिन वो खल है, दुष्ट टाइप का नायक है, तो उसको बोलते हैं खल नायक। तो सी नंबर भी खल भी, ये भी कट गया क्योंकि सी का मतलब क्या होता है, खल का मतलब दुष्ट टाइप का इंसान। और डी नंबर पर है साक्षर, साक्षर का मतलब होता है शिक्षित इंसान। तो वहां सज्जन पॉजिटिव बात कर रहा है और साक्षर भी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, इसलिए डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 38 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है क्या है। देखिए ऑप्शन ए में है दुखी होना, बी नंबर पर है समृद्ध होना, सी नंबर पर है प्रसन्नता व्यक्त करना, डी में है भयभीत होना। तो जानते रहिए कि घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ होता है प्रसन्नता व्यक्त करना, खुशियां, खुशियां क्या है मनाना। तो देखेंगे ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी प्रसन्नता व्यक्त करना, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 39 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, बछिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ चुनिए। देखिए ऑप्शन ए में है मूर्ख, बी नंबर पर है बैल, सी नंबर पर है साहसी और डी नंबर पर है भीरू। तो जानते रहिए कि बछिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख, तो देखेंगे मूर्ख कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 40वां नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ है क्या है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ए नंबर पर है दुख सहना, बी नंबर पर है आग पर लेटना, सी नंबर पर है दूसरों को दुखी करना और डी नंबर पर है आग से खेलना। तो जानते रहिए अंगारों पर लौटना या अंगारों पर चलने का मतलब होता है दुख सहना, तो देखेंगे दुख सहना कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ये नंबर हम क्लिक कर देंगे। 41 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, जो बहुत बड़ा नहीं है के लिए एक शब्द होगा, मतलब कोई चीज़ बहुत बड़ा नहीं है तो उसके लिए हमें एक शब्द में बोलना है उसे क्या कह सकते हैं। देखिए ए नंबर पर है नाति लघु, बी नंबर पर है नाति दीर्घ, सी नंबर पर है सत्य साची और डी नंबर पर है अदीर्घ। तो जानते रहिएगा जो बहुत बड़ा नहीं है उसके लिए एक शब्द में जो शब्द है वो है नाति दीर्घ, नाति मतलब नहीं, दीर्घ मतलब बड़ा, तो इसलिए देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर दें। 42 नंबर पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए में देखिए है अनुग्रहित, बी नंबर पे है अनुग्रहित और सी नंबर पे देखिए है अनुगृहित और डी नंबर पे देखिए है अनुग्रहित। अब देखिएगा हमारा जो सही जान लीजिए ऑप्शन है हमारा, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ देखिए आया है अनुग्रहित। अनु होगा ग में री की मात्रा होगी, ग्री हो जाएगा और हा में बड़ी की मात्रा होती है अनुग्रहित, तो अनुग्रहित हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो जानते रहिए यहाँ मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए हमारा क्वेश्चन जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो हमें यहाँ अशुद्ध करना है, अ इसमें प्रिंट नहीं किया गया है तो यहाँ पे मिस्टेक। तो जानते लिए हमारा क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द, हमें अशुद्ध शब्द सर्च करना है, तीन शुद्ध हैं कोई एक अशुद्ध है। तो देखिए ए नंबर पर स्पष्ट, बी नंबर पर सूक्ष्म, सी नंबर पर है बाह्य, डी नंबर पर है सात्विक। तो जानते रहिएगा हमारा जो ऑप्शन नंबर ए जो है स्पष्ट बिल्कुल सही है, बी नंबर पर सूक्ष्म ये भी सही है और डी नंबर पर सात्विक जो है ये भी सही है और सी नंबर जो हमारा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ बाह ब्राह नहीं बल्कि ब्रह्मा जैसे हम लिखते हैं तो बा में रा नहीं है इसमें, तो इसलिए सी नंबर हमारा क्लिक कर देंगे क्योंकि सी नंबर हमारा यहाँ पे मिस्टेक। 44 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, तुलसीकृत में कौन सा समास है। देखिए ए नंबर पर है व्यभिभाव, बी नंबर पर है तत्पुरुष, सी नंबर पर है द्वंद्व और डी नंबर पर बहुव्रीहि। तो जानते रहिएगा तुलसीकृत में जो समास है वो है तत्पुरुष, तत्पुरुष देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर हम क्लिक कर देंगे। 45 नंबर पर देखिए क्वेश्चन आया है, विस्मय, विस्मय किस रस का अस्थायी भाव है। तो जानते रहिएगा जो विस्मय है वो अद्भुत का अस्थाई भाव है, तो अद्भुत देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक करें। 46 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, कौन सा अलंकार हुआ है। अब इसमें कौन सा अलंकार हुआ है, तो जानते रहिएगा ये कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय इसमें यमक अलंकार है, तो यमक का अलंकार देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 47 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। तो विनय पत्रिका किसने लिखी है, तो जानते रहिएगा विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास, तुलसीदास देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर दें। 48 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, कर्म भूमि पुस्तक के लेखक हैं। तो कर्म भूमि के पुस्तक के लेखक कौन है, जानते रहे कर्म भूमि पुस्तक के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, तो देखें कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है प्रेमचंद, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 49 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। देखिए यहाँ फोर ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, उसमें से तीन तत्सम है और एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखिए ऑप्शन ए में है मोती, बी नंबर पर है दुर्लभ, सी नंबर पर है परीक्षा, डी में है भक्ति। तो जानते रहिएगा मोती जो हमारा ए नंबर है मोती ये तत्सम शब्द नहीं है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए आया है, आजन्म शब्द का समास बताइए। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए में आया है द्वंद, बी नंबर पर है तत्पुरुष, सी नंबर पर है कर्म धारण और डी में है अव्ययी भाव। तो जानते रहिए आजन्म शब्द में जो समास है वो है अव्ययी भाव, देखेंगे कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। मे बी आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए यहाँ सेट किए जाते हैं। देखिए यहाँ प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपको कराए जाते हैं, कुछ उसी टाइप के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं उसको बहुत ही ध्यान से आप देखें और उसको लर्न कर लें।
तो मे भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए आज कितने रखते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।